नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है राजस्थान दोपहर का और इस वक्त एक बड़ी जानकारी आपको मिल रही है जो कि जोधपुर से आ रही है। जोधपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सड़क दुर्घटना में मंत्री साले मोहम्मद बाल बाल बचे हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं साले मोहम्मद। गनमैन और चालक अस्पताल में भर्ती हैं। ट्रक से मंत्री की गाड़ी टकराई है। टोल से पोखरण जा रहे थे साले मोहम्मद। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी जोधपुर से, सड़क दुर्घटना में बाल बाल बचे हैं मंत्री साले मोहम्मद। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं और देखिए ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कितना भयावह और कितना भयानक ये हादसा रहा है। किस तरीके से मंत्री जी की कार इस ट्रक में जा घुसी। बाल बाल बचे हैं सड़क दुर्घटना में मंत्री साले मोहम्मद। जोधपुर की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी हर खबर पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सड़क दुर्घटना में बाल बाल बचे हैं मंत्री साले मोहम्मद। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं हर खबर पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। सड़क दुर्घटना की ये तस्वीरें आपके सामने, जोधपुर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री साले मोहम्मद की गाड़ी एक ट्रक से जा टकराई है जिसमें बाल बाल उनकी जान बची है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे लालसोट की। लालसोट से एक बड़ी जानकारी आपको हम दे दें जहां छात्राओं के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। राजकीय बालिका विद्यालय में इसका आयोजन किया गया है। छात्रों को जागरूक इसमें किया गया है। इसके साथ ही संस्था प्रधान अंजना त्यागी ने इस बात की जानकारी दी है। इसके साथ ही गुड टच और बैड टच के बारे में भी उन्होंने लोगों को बताया है। आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोग बनाते थे निशाना और इसीलिए इसका आयोजन किया गया। बदलते युग में बच्चों को शिकार बनाया जा रहा है। कार्यक्रम में छात्राएं मौजूद रहेंगे। ये एक और बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं जो कि लालसोट से आ रही है। छात्राओं के लिए वर्कशॉप का आयोजन यहां पर किया गया। राजकीय बालिका विद्यालय ने यह आयोजन किया है। आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोग निशाना बनाते थे। बदलते युग में बच्चों को शिकार बनाया जा रहा है। कार्यक्रम में बहुत सारी छात्राएं मौजूद रही हैं। यह इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। लालसोट से आ रही है जहां छात्राओं के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। और अब तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इस वर्कशॉप की तस्वीरें आपके सामने जहां छात्राओं के लिए इस वर्कशॉप का आयोजन हुआ जिसमें यहां मौजूद छात्राओं को गुड टच और बैड टच के बारे में भी जानकारी दी। जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है और महिलाएं किस तरीके से अपने आप को मजबूत बनाएं, किस तरीके से वो ऐसी आपराधिक जो घटनाएं उनका सामना कर सकती हैं, किस तरीके से वो इसका सामना करें, गुड टच बैड टच के बारे में भी यहां पर इन छात्राओं को जागरूक किया गया। कोटा में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला जिले के मकबरा थाना क्षेत्र का है जहां लेनदेन के विवाद पर खूनी खेल हो गया। जानकारी के अनुसार युवक अलतमस्त के साथ मारपीट कर उस पर चाकू से वार किया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को MBS अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं युवक ने बताया है कि उसने बंधन बैंक से 70,000 रुपये का लोन लिया था। उसकी किश्त भी देने को वो एजेंट के घर घंटाघर इलाके में गया था। वहां पर एजेंट के भाई ने उसके साथ मारपीट की, उस पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच भी शुरू कर दी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता तेजपाल बग्गा हमारे साथ जुड़ गए। तेजपाल बताइए क्या था यह पूरा मामला, किस तरीके से विवाद हुआ? अमित, ये युवक अल्तमस्त अपने बंधन बैंक से इसने लोन लिया था जी। उसकी किस्त ये एजेंट को देने के लिए उसके घर गया हुआ था। वहाँ पे इनको पैसे के लेन देन को लेकर इनके बीच में कहा सुनी हुई। घायल युवक ने बताया कि उसने ये अपनी किस्त 5-6 दिन उसकी ईद की वजह से लेट हो गई थी, इस वजह से वो देरी से पैसे देने पहुंचा तो जो एजेंट है उसके भाई ने उसके साथ मारपीट की और मारपीट के दौरान चाकू निकालकर उसके गले पर 2 वार किए तो उसके चाकू के तो उसका गले पे बहुत बड़ा, मतलब आप ये माने कि उसके 6 टाके आए हैं जी। आप पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इस पूरे मामले में? अब पुलिस पूरे मामले में
दोनों से पूछताछ कर रही है और बताया जा रहा है कि पुलिस इनको शीघ्र गिरफ्तार करेगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तेजपाल इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और चलिए अब खबर है टोंक से, जहां बीती देर शाम रास्ते पर संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों को सूचित किया। मामले में परिजनों ने हत्या का अंदेशा जताते हुए नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। शव का परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाकर शव को सौंप भी दिया गया। पुलिस मामले की जांच में अब जुटी हुई है। और एक यहाँ के छाजूलाल जी हैं, छाजूलाल मीणा, उनकी बॉडी लेके आए थे, जहाँ डॉक्टरों ने चेक किया उसको मृत घोषित कर दिया था। हमने कल शाम को 8:30 बजे मोर्चरे में रखवा दिया था और पीपलू थाने को इन्फॉर्म कर दिया था। अभी ये परिजन आए हैं और परिजनों का आरोप है कि साहब इसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है, इसका मर्डर हुआ है। जो भी परिजन FIR हमें देंगे वो FIR हम रजिस्टर करेंगे। ये पीपलू थाने का मैटर है और हम निष्पक्ष जांच करेंगे। जानकारी और बातचीत के लिए कजोड़। परिजन ये कह रहे हैं कि हत्या हुई है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और पुलिस के लिए भी कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चुनौती है कि पुलिस ये जान पाए कि हत्या का मामला है, आत्महत्या का मामला है। जी 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 बिल्कुल, बताना चाहूंगा अमित की जो परिजन है उन्होंने आरोप लगाया है कि हत्या की गई है। वही पुलिस ने थाने में मामला दर्ज करवाया है और पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है। बिल्कुल, लेकिन शुरुआती तौर पर पुलिस क्या कुछ कह पाने की स्थिति में है कि ये आत्महत्या का मामला है या फिर हत्या का मामला है? जी जी, जैसे हमारे परिजनों से बात हुई तो परिजनों का कहना था कि जो दुर्घटना हुई वहां पर किसी प्रकार का साधन नहीं है और पुलिस भी यही मान रही है कि जो ये घटना है, दुर्घटना है या हत्या है, इसको लेकर जांच की जा रही है। अभी तक पुलिस ने इसको लेकर कोई स्पष्ट नहीं किया है। पुलिस जैसे स्पष्ट करेगी अपने दर्शकों को तक पहुंचाई जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कजोड़ इस तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर है बूंदी से, जहां हिंडोली कस्बे में पुरानी पुलिस चौकी पर हो रहे अतिक्रमण को हिंडोली पुलिस अभी तक हटा नहीं पाई है। हिंडोली थाना परिसर में ही काम करने वाले पुलिस चौकी पर कब्जा जमा रखा है। आपको बता दें कि बीते साल 2001 से पहले हिंडोली पुलिस थाना इस चौकी में संचालित होता था, लेकिन पुलिस चौकी के नए भवन में शिफ्ट होने के बाद पुलिस ने इसकी सुध नहीं ली। नतीजा धीरे धीरे पुलिस चौकी पर अतिक्रमण होता चला गया। जो अतिक्रमणकारी हैं उन्होंने पक्के निर्माण और बाड़े बना लिए। बूंदी SP जय यादव ने कुछ समय पहले पुलिस को अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए। जितेंद्र सिंह राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, बताइए किस तरीके से थाने के ऊपर यहां पर कब्जा जमाने की कोशिश की गई और अवैध निर्माण यहां पर हो गए, वो भी पक्के, बेहद चौंकाने वाला मामला। जी सर, मैं बता दूं आपको कि वर्ष 2001 से पहले हिंडोली कस्बे के मध्य ही ये थाना इसी चौकी के अंदर चलता था, लेकिन 2001 के बाद जो ही पुलिस चौकी को नया भवन मिला उसके बाद पुलिस ने इस चौकी की कोई भी किसी भी तरीके से हार संभाल नहीं ली। नतीजा ये हुआ कि पूरी की पूरी पुलिस चौकी पर अतिक्रमियों ने कब्जा कर लिया। कई पक्के निर्माण बन चुके हैं तो कई बाड़े बन चुके हैं और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार थाना परिसर में ही काम करने वाले किसी व्यक्ति का बड़ा कब्जा होने की बात सामने आई है। शायद इसी वजह से अभी तक पुलिस चौकी से अतिक्रमण नहीं हट सका है। कुछ दिनों पहले SP जय यादव ने भी अतिक्रमियों के खिलाफ सख्ती बरतने के आदेश जारी किए थे। जी जी सर, लेकिन वो आदेश लगता है हिंडोली पुलिस तक अभी तक पहुंचे नहीं है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र। भीलवाड़ा के जहाजपुर के टीकड़ गांव में अवैध खनन माफिया जोरावर सिंह मीणा ASI के साथ मिलकर कृषि भूमि, आपको बता दें कि मालिक को परेशान करने का मामला सामने आया है, जहां ASI जमीन के मालिक को धमकाता हुआ नजर आया, जो कि भीलवाड़ा पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर रहा है। वहीं शिकायतकर्ता ने बताया है कि उसे पुलिस की ओर से किसी भी तरह का समर्थन नहीं मिल रहा है। शिकायतकर्ता ने बताया है कि यह पूरा मामला DGP के संज्ञान में भी दिया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई।
और चलिए हनुमान नगर थाने की एसआई हमारे साथ जुड़ गए, लीला राम जी बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। सर ये जो आरोप लग रहे हैं पुलिस के ऊपर, बेहद गंभीर आरोप लग रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि पुलिस इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, क्या कहेंगे आप? आपकी साहब आवाज कम आ रही है जी, आपने सवाल सुना सर मेरा? मामला कौन सा, क्या है साहब, आवाज साफ नहीं आ रही है जी। लीला राम जी अब आवाज आ रही है आपको मेरी, सुन पा रहे हैं क्या आप? हाँ, लीला राम जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो कार्यशैली है पुलिस की वो ठीक नहीं है और उसकी वजह से ये जो मामला है वो और ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। एएसआई की दादागिरी की भी बात की जा रही है, बहुत सारी बातें इसमें कही जा रही हैं, आप क्या कहेंगे? कौन से मामले की बात है साहब? जमीन के मालिक को धमकाया जा रहा है, भीलवाड़ा का ये मामला है। भीलवाड़ा का जी? नहीं, मेरे यहाँ, मैं हनुमान नगर थाने से बोल रहा हूँ, मेरे यहाँ कौन सा मामला है जी? आपके यहाँ के मामले की तो बात कर रहे हैं सर हम। हाँ हाँ, मामला कौन सा है, क्या है, ये तो बताओ मेरे को। एक मिनट आप रुकिए, वो बता रहे हैं आपको, हमारे जो संवाददाता है वो बताएंगे आपको विस्तार से क्या मामला है। चलिए परिवाद हमारे साथ जुड़ गए, उनसे, हाँ योगेश इनका नाम है, योगेश जी आप बताइए क्या है पूरा मामला, एसआई साहब हमारे साथ मौजूद है। एक्चुअली सर ये हमारे खातेदारों की जमीन है और यहाँ से क्या है कि अवैध खनन होता है हमारे टीकर से 5-7 किलोमीटर के एरिया के अंदर, तो वहां से उनके ट्रैक्टर निकालने के लिए हमारे जो खातेदारों के काश्तकार जमीन है उसमें से जबरन रास्ता निकालते हैं, जबकि यहाँ कोई रिकॉर्डेड रास्ता नहीं है। और जब कल ये सारी मौजूदा हालात में ये सारी चीजें होती है, पापा और मेरे मम्मी, मेरे मौसा जी और मौसी बा खेत में उस टाइम थे प्रेजेंट, यहाँ इससे कोई एक उस्मान खान जी थाने से जाते हैं और वो मेरे पापा मम्मी पे दबाव डालने की कोशिश करते हैं। हद तो जब हो जाती है जब लीला राम जी खुद मेरे पापा को फोन करते हैं और वो उनको बोलते हैं कि आपको नौकरी करनी है क्या, कितने साल रहे नौकरी को। फिर पापा ने इनसे बोला कि साहब एक पुलिस वाला एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को धमकी दे रहा है, तो ये बोलते हैं कि साहब हम धमकी नहीं देते, हम गांड में सोटे भी मारते हैं। लीला राम जी तो सर आप जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप चिंता मत करिए, जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं जी, जवाब दीजिए लीला राम जी, जवाब दीजिए। हाँ देखो, ये हमारे थाने का मामला है कि खातेदारों की खेतों में से कोई रास्ता निकाल रहे हैं, गांव वाले कुछ लोगों का एक मुकदमा दर्ज है मेरे पास है जी, और वो मुकदमा लगभग कंप्लीट है। इस दौरान में वो मुकदमा दर्ज होने के बाद में ये स्वराज जी है, इन्होंने भी एक रिपोर्ट दी थी, कि मेरे खेत में रास्ता नहीं होते हुए भी हमारे खेत की कोई माट वगैरह तोड़ रहे हैं, तो वो रिपोर्ट। लेकिन आरोप तो आप ही के ऊपर लग रहे हैं ना लीला राम जी, आरोप आप ही के ऊपर लग रहे हैं कि आप इसमें कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप जो पीड़ित है उसी को आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। मेरी बात तो सुनो साहब जी, जो मुकदमा दर्ज है नहीं, अवैध खातेदारों द्वारा एक जो गांव वाले कुछ लोग हैं जो अवैध तरीके से रास्ता निकाल रहे हैं उसका एक मुकदमा दर्ज है जी। उसी मुकदमे दर्ज होने के बाद ये स्वराज सिंह है, इन्होंने भी एक रिपोर्ट दी थी कि मेरे खेत में से भी चीवमार तोड़ करके गलत रास्ता निकाल रहे हैं, जबकि रास्ता रिकॉर्ड में नहीं है जी। तो वो रिपोर्ट उस मुकदमे में लेकर के मैंने अभी 5-7 दिन पहले फोन किया स्वराज सिंह जी को, तो ये इन्होंने कहा कि साहब मैं कर्मचारी हूँ और अजमेर हूँ। नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ लीला राम जी मैं समझ गया मैं आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ लीला राम जी कि सवाल ये है कि अगर देखिए आपके आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप लोगों को न्याय दिलाएं, कानून की आप रक्षा करें, लेकिन आपके ऊपर ये जो आरोप लग रहे हैं इन आरोपों के ऊपर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि स्वराज सिंह जी को मैंने तफ्तीश के लिए बुलाया था और इन्होंने कहा मैं आ जाऊंगा जी, 5-7 दिन पहले की बात है। अब ये कल आकर के वहां सीधे ही कोई निर्माण का वगैरह दीवार वगैरह निकालने लग गए, तो हमारे हेड साहब गए थे वहां जी, तो उनसे ये मतलब उन्होंने कहा कि भाई आप पटवारी से नाप टोक करा के दीवार 1-2 दिन रोक के फिर निकाल लेना जी। नहीं लेकिन ये भी कहा जा रहा है ना कि आप खनन माफियाओं का साथ दे रहे हैं, ना कि इन पीड़ित परिवार का साथ दे रहे हैं आप। सर उनका चालान कर रहा हूँ मैं तो,
जी जो जो अवैध रूप से रास्ता निकाल रहे हैं ना सर, मैं उनका चालान कर रहा हूँ। एक केवल स्वराज सिंह जी के कथन लेने हैं, वो ही बाकी है मेरे। चलिए लीलाराम जी, उम्मीद करेंगे कि जो पीड़ित परिवार है आपको, आप उसका उसको न्याय दिलाएंगे और इसके साथ ही कानून सम्मत जो भी कार्रवाई होगी वो भी आप जरूर करेंगे, ऐसी उम्मीद हम करते हैं आपसे। बहुत धन्यवाद आपका योगेश जी, और इसके साथ ही लीलाराम जी आपका भी। ग्राम पंचायत कानस और भवर पैलेस होटल के बीच अज्ञात लोगों ने एक व्यक्ति की लाश को फेंक कर चले गए, जिसके बाद आपको बता दें कि आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर सरपंच प्रतिनिधि एडवोकेट महेंद्र सिंह रावत भी घटना स्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया है कि गाड़ी में से किसी को लाश को बाहर फेंकते जाते देखा, उसके बाद घटना की जानकारी पुष्कर थाने में दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के बाद शव को अस्पताल के शवगृह में रखवाया। टोंक जिले के देवली में आपको बता दें कि पुराना कोटा मार्ग पर चिंताहरण बालाजी तराहे के पास एक कार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि कार में सवार चार अन्य लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस घायलों को इलाज के अस्पताल में भर्ती कराया गया, साथ ही परिजनों को हादसे की सूचना दी गई। पुलिस के अनुसार यह हादसा कार से खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जाते समय हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। परिवार का परिवार रिश्तेदारी कोई होलो या नहीं वाले। तो देवली का ये मामला है, ये भयानक और दर्दनाक हादसा हुआ है। खाटू श्याम जाते समय ये हादसा हुआ, हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मारी है। इस कार की जो तस्वीर है इसको देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कितना भयंकर, कितना भयावह, कितना भीषण यह हादसा रहा है। इस हादसे में एक को अपनी जान गंवानी पड़ी है जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देवली से हमारे संवाददाता मनीष बागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या वजह है इस हादसे की? जी हमें बिल्कुल, ये जो कोटा का एक सिंधी परिवार है, ये सीकर जिले के खाटू श्याम जी मंदिर में दर्शनार्थ के लिए जा रहा था जी। सुबह जल्दी की घटना है ये, देवली में चिंताहन तिराहे है, उसके अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है। संभवतः जो आशंका मानी जा रही है कि जो वाहन चालक है उनको या तो नींद की झपकी आ गई होगी, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। इस हादसे में एक जने की मौत हुई जबकि चार घायल हुए हैं। इन्हें पुलिस ने एम्बुलेंस के जरिए देवी अस्पताल भर्ती कराया है और जो मृतक है उसका पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला प्रवास पर हैं। इस दौरान स्पीकर बिरला लोकसभा कैंप कार्यालय पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में लोग उनसे मिलने पहुंचे। वहीं जनसुनवाई के दौरान आमजन की समस्याओं पर भी संज्ञान लिया गया, साथ ही अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के निर्देश भी जारी किए गए। जानकारी के मुताबिक 18 बजे तक स्पीकर ओम बिरला संसदीय क्षेत्र में रहेंगे, साथ ही कोटा ट्रिपल आईटी के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण करेंगे। वहीं शाम को आईएमए के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होंगे। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र मेरा परिवार है और परिवार के अंदर समय समय से लोगों से मिलना, मुलाकात करना, संवाद करना, चर्चा करना, सामाजिक कार्यक्रमों में शरीक होना और किस तरीके से हम चर्चा और संवाद करकर लोगों की समस्याओं का समाधान भी। और अब खबर है हनुमानगढ़ से, जहां जिले के प्रभारी गोविंद राम मेघवाल आज एक दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ पहुंचे, जहां राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक भी की। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने नोहर में हुई हिंसा का जिम्मेदार बीजेपी और आरएसएस को बताया। उन्होंने नोहर मामले को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से जोड़ते हुए कहा कि जहां जहां नड्डा पहुंचे वहां वहां दंगे हुए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि नोहर में पहले कभी दंगे नहीं हुए, इस बार यहां का माहौल खराब करने के लिए आरएसएस और बीजेपी जिम्मेदार हैं। आगे उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी का काम ही धार्मिक उन्माद फैलाना है, ताकि राजस्थान में दंगे होने पर वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहें। ये वापस वर्ण व्यवस्था को कायम करना चाहते हैं।
मुसलमान को पाकिस्तान से जोड़ दो, आदिवासी को नक्सल है, उस संबंध में बात हो जाए जिस संबंध में हमारी मीटिंग हुई है। मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना, आपने देखा है कि ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 10 लाख तक का बीमा है और अगर एक्सीडेंट में डेथ होती है तो 5 लाख रुपए राजस्थान सरकार क्लेम के रूप में देती है। कोटा में फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा करने आए स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने आगामी चुनाव को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत और सोनिया गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। फ्लैगशिप योजनाओं के विकास के मुद्दे पर जनता की सेवा के दम पर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। चिंतन शिविर के बाद संगठन में बदलाव की अटकलों पर उन्होंने कहा कि संगठन में बदलाव का अधिकार सोनिया गांधी जी का है। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बीजेपी पर संगीन आरोप लगाए और कहा कि बीजेपी वाले सब जगह माहौल खराब कर रहे हैं। अलवर में मंदिर बीजेपी बोर्ड ने तोड़ा, आरोप हम पर लगा रहे थे। हमारी सरकार इस मामले में दोषियों पर सख्त एक्शन लेगी। स्थिति पर चिंतन कर रही है। देश में आज जिस तरह का माहौल हो रहा है, देश में जिस तरह की आज आपाधापी मची हुई है, जिस तरह की आज सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह के झगड़े कराए जा रहे हैं, ये निश्चित रूप से चिंता की बात है। उसमें प्रधानमंत्री जी को हस्तक्षेप करना चाहिए। कहीं बुलडोजर चला देते हैं, सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा, बुलडोजर नहीं चलाएंगे, दिल्ली में चला दिए, भोपाल में चला दिए, निश्चित रूप से ये बहुत चिंता का विषय है। इस पर कांग्रेस चिंतन करेगी। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, देश को सुरक्षित रखने के लिए कांग्रेस का चिंतन शिविर है। हम किस तरह आज जिस तरह के हालात बन रहे हैं, करौली में कुछ नहीं हुआ, 5 मिनट का झगड़ा हुआ आपस में, और करने वाला बीजेपी का वहां पर सभापति रहा है। चलिए खबर है बीकानेर से, जहां पशुपालन और मत्स्य मंत्री जिला प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की। इस दौरान राज्य के 28 फ्लैगशिप कार्यक्रमों, बजट घोषणाओं, जिले में पेयजल आपूर्ति, बिजली और सड़क सहित कई बिंदुओं पर समीक्षा की गई। बैठक में कटारिया ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से वंचित, गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को संबल प्रदान करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। देखिए, समीक्षा बैठक में जो आपने जो बातें बताई वो सारी बातें निकल गई। चारे का तो हम उसको पहले से ही मालूम है, क्योंकि आज से करीबन 20 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक जयपुर में ले ली थी। मैंने भी आज भी कलेक्टर साहब को कहा है कि चारे का जो मामला है उसमें राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने सब कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि भाई पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, पर गौशालाओं में और जहाँ जहाँ भी चारे डिपो खोलने हैं। और अब खबर है चित्तौड़गढ़ से, जहां जिले के प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास प्रदेश में हो रहे दंगों के लिए बीजेपी और आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस प्रदेश में अराजकता का माहौल बनाकर आम जन को भ्रमित करने का काम कर रही है, जिसमें उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। झालावाड़ जिले के पचोला गांव में ग्रामीणों ने शराब के ठेकों को हटाने को लेकर नेशनल हाईवे 52 को जाम कर दिया, जिसके चलते NH-52 पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। ग्रामीणों ने गांव में धार्मिक स्थल के पास लगे शराब ठेके को हटाने की मांग की है। नाराज ग्रामीणों का कहना है कि पचोला गांव में बाबा रामदेव का स्थानक है, जहां ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों का आना जाना रहता है, लेकिन हाल ही में धार्मिक स्थल के पास शराब ठेका खोल दिया जाने से धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। महिलाओं के साथ भी ठेके के पास बैठे शराबी अभद्र व्यवहार करते हैं, अभद्र शब्द बोलते हैं, जिसके चलते ग्रामीणों में भारी रोष बना हुआ है। राजस्थान सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा लालसोट ने प्रोटेस्ट किया। सरकार की नीतियों के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। आपको बता दें कि मामला राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर असंवैधानिक तरीके से रोक लगाने का है, जिसको लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में आरोप है कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबा रही है। धरियावद में आदिवासी एकता परिषद महासम्मेलन की ओर से आदिवासी समाज की विशाल रैली निकाली गई। हजारों आदिवासी समाज में विशाल रैली में हिस्सा लिया। इस दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज धरियावद पहुंचे और आदिवासी एकता परिषद महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। रावतसर की ग्राम पंचायत था लड़का में बंदरों ने आतंक बचाया हुआ है, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है।
ग्रामीणों ने बताया है कि बंदरों की वजह से आम नागरिकों का गांव से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बंदरों का सबसे ज्यादा आतंक गौशाला, सरकारी नर्सरी, पुलिस चौकी और बस्ती जैसी जगहों पर है। हालांकि इस मामले को लेकर कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया गया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। राजसिंह नगर मंडी में अधिकारियों की अनदेखी के चलते किसानों और मजदूरों के लिए बने कॉमन शेड पिंडों का व्यापारियों की ओर से दुरुपयोग किया जा रहा है। भीषण गर्मी में जहां किसान अपना माल खुले आपको बता दें कि खुले में डालने को मजबूर हैं, तो वहीं माल की सफाई करने वाले मजदूरों को भयंकर गर्मी में खुले में ही काम करना पड़ रहा है। मीडिया के पहुंचने पर व्यापारियों में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के भय से कई व्यापारियों ने अपना माल उठाना भी शुरू कर दिया। आपको बता दें कि सरकार की ओर से धान मंडी में 6 शेड तैयार किए गए हैं। जिनसों की आवक बहुत ज्यादा हो रही है और माल जो था वो किसानों का माल सड़ों में पड़ा था, उसके बाद व्यापारियों ने खरीद किया। अब उसके बाद आवक ज्यादा होने के कारण उठाव टाइम पर नहीं हो रहा हो पा रहा था, तो मैंने अब जिन जिन का माल यहाँ पर सड़ों में पड़ा है उन सबको नोटिस जारी कर रहे हैं। श्री गंगानगर के गांव 23 PS भट्टा कॉलोनी में 30 फुट गहरे गड्ढे में गिरने से एक गौवंश की मौत हो गई। हालांकि गौवंश को बचाने के लिए गौरक्षा दल और नगर पालिका टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया। जेसीबी मशीन के माध्यम से चलाए गए रेस्क्यू अभियान में करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गौवंश को गहरे गड्ढे से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। न्यायालय जयपुर पीठ के आदेश की पालना में राजगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष पद का कार्यभार सतीश कुमार दुहारिया ने दोबारा ग्रहण कर लिया है। नगर पालिका के अध्यक्ष सतीश कुमार दुहारिया को मास्टर प्लान के तहत की गई तोड़फोड़ के बाद स्वायत्त शासन विभाग ने प्रारंभिक जांच में दोषी पाकर 25 अप्रैल को अध्यक्ष और सदस्यता से निलंबित कर दिया था। और अब खबर है रायसिंह नगर से, जहां मुकलावा पुलिस थाना में बने सरकारी क्वार्टर में 7 फीट लंबा सांप मिलने से हड़कंप मच गया। सांप को देखकर क्वार्टरों में रह रहे लोग दहशत में आ गए। कांस्टेबल प्रमोद पुनिया के प्रयासों के बाद एक MSB के स्नेक स्नैचर जयपाल गोदारा को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचकर स्नेक स्नैचर ने सांप को रेस्क्यू किया और जंगल में छोड़ दिया। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड सूरतगढ़ के टेक्निकल कर्मचारी बरकत अली का करंट लगने से मौत हो गई, जिसके बाद सभी तकनीकी कर्मचारी बिजली बोर्ड में प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि AEM बुरिया को सस्पेंड कर दिया गया, वहीं बरकत अली के परिवार को आर्थिक सहायता और FRT को खत्म करने की लोग मांग कर रहे हैं। जोधपुर में नर्सिंग ऑफिसर श्रीमती कोमल भाटी को राज्य स्तरीय सम्मान फ्लोरेंस नाइट एंगल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित इंटरनेशनल नर्सेस डे 12 मई के दिन नर्सेस के सर्वोच्च अवार्ड से कोमल भाटी को नवाजा गया। जानकारी के मुताबिक प्रदेश से कई जिलों से करीब 35 लोगों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। इस मौके पर शहर के प्रशासनिक और गणमान्य लोग मौजूद रहे। खबर अलवर से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस गुरुवार को जिला स्तर पर बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं नर्सिंग एसोसिएशन के प्रेम पटेल ने बताया है कि सर्वप्रथम सभी नर्सिंग कर्मियों को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की शुभकामनाएं प्रदान करता हूं और शपथ लेता हूं कि आम आदमी की और पीड़ित मानव की अधिक से अधिक सेवा करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का धन्यवाद करता हूं कि पिछले 7 सालों से जो पदनाम परिवर्तन का आंदोलन चल रहा था, उस पदनाम परिवर्तन की स्वीकृति राज्य सरकार ने की है। ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। मैं आपके माध्यम से हमारे नर्सिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए जो हमारे साथी हैं उन सभी को सबसे पहले तो नर्सेज अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, तथा साथ ही हम ये शपथ लेते हैं कि हम आम आदमी की और पीड़ित मानव की और भी अधिक अपनी स्किल डेवलप करके उसकी अधिक से अधिक सेवा। और फिलहाल इतने ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।